चलो यार अभी फटाफट से धावा बोलने का टाइम आ गया है, निकालते अपनी गन को एंड चलो भाई सबसे पहले तू डाउन हो जा। और बंदे कहा है भाई बंदे चाहिए मेरे को, फटाफट से सामने आओ भाई। हाँ भाई मेरे पीछे पुलिस लग चुकी है, लिटरली भाई 3 स्टार की पुलिस लगी है यार। इस बार हम लोगों ने बहुत गलत जगह हाथ डाल लिया। चलो भाई लेट्स गो। बाकी यार पुलिस भी मेरे पीछे लग चुके हैं, ये क्या ही हो रहा है भाई मेरे साथ। ऑलराइट गाइस वेलकम बैक टू द सीरीज एंड यार आज ना संडे वाला दिन था एंड मैं सुबह सुबह यार जस्ट होके उठाई था, तभी यार मेरे पास ना लेस्टर का कॉल आता है यार। वो मेरे को बोल रहा था कि फ्रैंकलिन यार जल्दी से तैयार हो जाए एक नई रॉबरी के लिए एंड यार वो रॉबरी किसी पैसे वगैरह की नहीं होने वाली है, मतलब किसी बैंक वगैरह में जाके नहीं करनी है, हमको चुरानी है भाई एक रेसिंग कार, जो कि कौन सी गाड़ी होने वाली है मेरे को भी नहीं पता यार अभी तो बिल्कुल। लेस्टर ने बताया नहीं है, बस उसने मेरे को लोकेशन बताई है जो कि मैं जरा मार्क कर देता हूँ मैप पर, जो कि है ये वाली, हमें यहाँ कहीं जाना है एंड यार वहाँ पर ना हमको वो वाली गाड़ी मिल जाएगी। एंड वो बोल रहा था यार सिक्योरिटी वगैरह भी काफी तगड़ी है। बाकी यार मैंने ना बैनी से इस वाली गाड़ी का इंतजाम करा लिया था क्योंकि भाई थोड़ा माउंटेन वाला एरिया है तो थोड़ी एसयूवी वगैरह गाड़ी लेके जाते हैं एंड मेरे पास जो गाड़ी है ना वो तो सेडान गाड़ी है तो उसमें इतना ज्यादा ना हम लोग आसानी से उन रास्तों पर चला नहीं पाएंगे। बाकी यार फटाफट से निकलते हैं एंड यार अभी ना मेरी हालत इतनी ज्यादा खराब है यार, मेरे पास पैसे वगैरह बिल्कुल भी नहीं है एक गाड़ी वगैरह भी खरीदने के। एंड यार एक टाइम पर हम लोग ना लॉस सेंटोस पर राज करते थे भाई, मेरे को तो ना वो दिन याद आ रहे हैं जब हम लोगों के पास भाई अंधा पैसा था, लिटरली भाई अंधा ही पैसा था, हमारे पास बहुत सारी गाड़ियां होती थी यार उस समय। एंड यार अब क्या ही बोलूं मैं तुमको, बस भाई कुछ टाइम ऐसा आया कि अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है एंड यार अभी हम लोगों को वापसी करनी है जिसके लिए अब हमने छोटी मोटी गैंगस्टर या रॉबरी हमने शुरू कर दी है। एंड यार अभी ना मैं फटाफट से उस वाली लोकेशन के आसपास पहुंच ही गया हूं। बाकी चलो भाई वो तो अच्छा हुआ मैं ये वाली एसयूवी गाड़ी लेके आया था, काफी ज्यादा कर्वी एंड माउंटेन का हिल का रास्ता है, मेरी गाड़ी तो भाई यहाँ पे हाथ खड़े कर देती। एंड यार ये वाला रास्ता ना थोड़ा याद आ रहा है मेरे को, ये तो भाई वही है प्रेसिडेंट हाउस वाला रास्ता है। हाँ भाई ये वाला रास्ता तो वही है, इसका मतलब भाई जिस बंदे की भी वो गाड़ी वगैरह होने वाली है ना वो काफी ज्यादा ही तगड़ी पावरफुल आदमी होगा। बाकी यार अभी देखते क्या ही सीन होता है यहाँ मेरे साथ, बट अभी तो ना मैं लोकेशन पर आ चुका हूँ। बट यार एक सेकंड, मेरे को ना इस वाले रास्ते से तो जाना ही नहीं है क्योंकि भाई ये मेन ओपनिंग वाला रास्ता है एंड मैं यहाँ से जाऊँगा ना तो भाई आराम से फंस जाऊंगा, तो मैं जाने वाला हूँ यार इस वाले पीछे वाले रास्ते से। बाकी यार इस वाले मैप का भी कोई भरोसा नहीं है भाई, अभी मेरे को कहाँ पे ले जा रहा था एंड मैं फंस जाता भाई बुरी तरह वहां जाकर, क्योंकि वहां पे तो तगड़ी खासी सिक्योरिटी वहां खड़ी हुई है एंड यार उसने लेस्टर ने मेरे को ये भी बताया था कि वहां स्नाइपर वगैरह भी है, तो मैं भाई पूरी प्लानिंग करके आ रहा हूं। बट यार एक सेकंड, ये तो मैं थोड़ा अंडरग्राउंड नहीं आ गया हूं। बाकी चलो भाई अभी चढ़ाते अपनी गाड़ी को इस वाली जगह से, वो तो अच्छा हुआ भाई मैं एसयूवी गाड़ी लेके आया था, कितनी ज्यादा काम रही। एक सेकंड रिपट ना जाए भाई, रुक जाओ यार इसको थोड़ा आराम से मैं चढ़ा के लेके चलता हूँ। बाकी यार तुम लोगों ने एक चीज नोटिस करी, जहां भी यार हम लोग जा रहे हैं भाई शहर तो पूरा बंद हो रखा है यार, मतलब एक भी बंदा ना बंदे की जात हमको यहाँ पर दिखी है भाई, मुझे लगता भाई किसी ज्यादा ही तगड़े आदमी की गाड़ी है। बट यार एक सेकेंड, सिक्योरिटी तो मेरे को दिखी है यहाँ से एंड यार एक दो बंदे नहीं है यहाँ तो 5-6 बंदे हैं। फटाफट से भाई मैं ऊपर चढ़ता हूँ, चढ़ जा भाई। लेकिन देखो यार मैं सही बताऊँ मेरे को ना कोई ज्यादा डर वगैरह नहीं है भाई किसी का भी, क्योंकि भाई हम तो खुला मारते हैं, मैंने इससे पहले काफी ज्यादा रॉबरीज वगैरह भी कर रखी है, तो बिल्कुल यार लेस्टर ने इसलिए मेरे को शायद से ये वाला काम भी दिया था। बाकी अभी मैं फटाफट से बैठ जाता हूँ अपनी गाड़ी में एंड यार इसको मैं ना चढ़ाता हूँ इस वाले रास्ते से। बाकी यार चढ़ जा भाई, लेट्स गो चढ़ गई। अरे नहीं यार मेरे को लगता है मेरे को पीछे वाले रास्ते से ज्यादा आसानी होती। भाई फ्रैंकलिन क्या कर रहा है यार, अभी यहाँ पे तेरी बात कर रहे हैं हम लोग की कितनी ज्यादा अच्छी रॉबरीज कर चुका है एंड तू यार ये रॉबरी करेगा। बाकी चलो एक सेकंड वहां मेरी नजर यार स्नाइपर पर पड़ी है। बाकी हाँ यार ये वाला एंगल सही है, बाकी पूरा यार एंगल वेंगल सेट कर लिया है मैंने, अभी निकालते हैं यार अपनी सप्रेसर वाली स्नाइपर। एक सेकंड भाई ये खाली रुक गया, ओके सप्रेसर वाली मैंने निकाल ली है, अब भाई एक बार जरा रेकी वगैरह करते हैं यहाँ पर कितने बंदे हैं। ऑलराइट भाई तो यहाँ पर एक ये दो बंदे, ओके भाई इन्होंने तो ऊपर तक चढ़ा के रखे हैं, ऐसा कौन सा बंदा है भाई जो इतना ज्यादा पावरफुल बंदा यहाँ पे आया हुआ है। बाकी यार एक समय तो ये था जब हमारे अंडर आता था भाई ये पूरा एरिया, बाकी अभी कोशिश करेंगे भाई जल्दी से इस वाले एरिया को अपने अंडर लेने की। बाकी यार मैं सोच रहा हूँ कहाँ से स्टार्ट किया जाए। एक सेकंड यार गाड़ी वगैरह तो देखो, कौन सी गाड़ी की लेस्टर से बात कर रहा था जिसको बेच के हमारे पास इतना पैसा आ जाएगा कि यार हमारे वो कह रहा था ये पैसे की कोई कमी नहीं होगी फ्रैंकलिन, इसलिए यार उसने मेरे को ये वाला मिशन भी दिया है। एंड यार अब शायद से मैं यहाँ से देख सकता हूँ परफेक्ट एंगल, ओके भाई अभी यहाँ से गाड़ी दिख रही है। एंड यार ये वाली गाड़ी तो लैम्बोर्गिनी हुरिकेन है एंड ये शायद से लिमिटेड एडिशन है, शायद तभी मेरे को लेस्टर ने बोला था कि इस वाली गाड़ी की भाई तगड़ी ही अमाउंट हमको मिलेगी अगर हम लोग यार इसको ब्लैक मार्केट में बेचेंगे।
बाकी चलो यार अभी फटाफट से धावा बोलने का टाइम आ गया है, निकालते अपनी गन को एंड चलो भाई सबसे पहले तू डाउन हो जा। बाकी एक सेकेंड यार अभी किसी को पता नहीं लगा है, लेट्स गो। अभी मेरे को सोच रहा होगा किस वाले बंदे को पहले मारूं। बाकी चलो भाई ये दोनों इधर खड़े, सबसे पहले काम करते हैं इसको एक पर्ट से हेडशॉट देते हैं। ओके ओके अभी ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करना, एक एक करके भाई सारे इन ऊपर वाले बंदों को डाउन कर दो ताकि यार ये नीचे वाले बंदों को ना कवर फायर ना दे पाए एंड हम लोग आसानी से गाड़ी को चुरा सके। बाकी यार अभी शायद से मेरे से फायर हुआ था ना तो ये बंदे भाई इनको मेरी लोकेशन पता लग चुकी है एंड यार इन लोगों ने ना मेरे पर एम भी कर दिया है वहां से एंड शायद से यार अब ये लोग मेरे पर पूरा धावा बोलने वाले हैं। यहाँ तो यार मैं सोच के आया था मस्त गाड़ी लेके जाऊंगा। बाकी एक सेकंड फायरिंग स्टार्ट हो चुकी है भाई, अंधाधुंध फायरिंग कर रहे हैं भाई, एक सेकंड गाड़ी इन्होंने छोड़ दिया। बाकी यार अभी फटाफट से मैंने अपनी मिनी गन निकाली है यार, एक बार देखो इन लोगों ने भाई लैम्बोर्गिनी को फ्री छोड़ दिया है यार। यहाँ पर आ चुके भाई, सामने मेरे को बंदा दिखाई, फटाफट से इसको निपटाते हैं। बाकी लेट्स गो एक बंदा पीछे भी है, अभी ना मेरे को एक काम करना होगा, फटाफट से अपनी राइफल निकालता हूँ। अभी फटाफट से भाई बंदा सामने आ चुका है, लेट्स गो इसको निपटाते हैं। बाकी और बंदे कहा है भाई, बंदे चाहिए मेरे को, फटाफट से सामने आओ भाई। आ चुका है भाई अब फ्रैंकलिन, देखते अब कौन हम लोगों को आता है भाई छूने के लिए। बाकी लेट्स गो एंड अभी तो यार मेरे ख्याल से मैंने सारे बंदों को निपटा दिया यहाँ से एंड अभी फटाफट से बैठता हूँ मैं इस वाली गाड़ी में। बाकी यार एक सेकेंड, तुमने यार सायरन और हेलीकॉप्टर की आवाज सुनी? हाँ भाई मेरे पीछे पुलिस लग चुकी है, लिटरली भाई 3 स्टार की पुलिस लगी है यार, ऐसा मैंने क्या ही कर दिया। बाकी इससे पहले भाई हेलीकॉप्टर आ चुका है मेरे ऊपर, अभी मेरे को फटाफट से भगानी होगी एंड यार एक सेकंड इस वाली गाड़ी का एक्सेलरेशन देखो यार कितनी ज़्यादा तेज है। बाकी यार इन लोगों ने तो रास्ता वास्ता भी बंद कर लिया है, इसका मतलब भाई ये वाली गाड़ी किसी बहुत ही ज़्यादा तगड़े बंदे की थी। ओ बाकी वो साइकिल किधर आ रहा है भाई बीच में? बाकी चलो चलो भगाते भाई यहाँ से, अभी ना मेरे को फुल स्पीड में भगाना होगा। ओके भाई पुलिस वगैरह आ रही है, बाकी इन मामू लोगों को तो भाई मैं हटाते हुए निकलता जा रहा हूँ। बाकी लेट्स गो एक सेकंड, थोड़ा सा डिसबैलेंस हुआ भाई, क्या करूँ यार भाई इतने दिन बाद इतनी महंगी गाड़ी चला रहा हूँ। बाकी एक सेकंड यार मुझे बाहर जाने का रास्ता देखना होगा। बाकी यार जल्दी से मिनी मैप निकालता हूं अपना एंड यार फाइनली मैं ट्रेवर का लगा देता हूं यार, ट्रेवर के एयरपोर्ट पर जाते हैं, वहां पर यार ट्रेवर वगैरह को भी हम बोल देंगे ना तो वो हमको बचाने आ जाएगा। बट यार एक सेकंड मैं फोन भी कैसे करूंगा ट्रेवर को, मेरे पीछे तो भाई पुलिस लगी हुई है। बाकी अब भी एक सेकंड, सामने वाली जगह पर पुलिस की भाई नाकाबंदी है तो इस छोटे वाले रास्ते से लेते हैं एंड अभी ना मेरे को लग रहा है भाई पुलिस की अब कम हो जाना चाहिए क्योंकि अभी मैं यार इनको चकमा तो शायद दे चुका हूँ। बाकी सामने पुलिस की गाड़ी है एंड यार अभी 1 घंटा हो चुका है मेरे को इधर ही टहलते टहलते, मैं बिल्कुल नीचे भाई इस वाली टनल में छुप गया था एंड यार लैम्बोर्गिनी की तो हालत ही मत पूछो, पूरी खत्म हो चुकी है भाई। मतलब यार देखो आगे से बम्पर वम्पर हिल गया, मतलब यार $1 million के आसपास का खर्चा तो इस गाड़ी को अब सही कराने में लग जाएगा क्योंकि यार ये लिमिटेड एडिशन गाड़ी है तो इनमें यार खर्चा ज्यादा ही होता है। बाकी अभी ना यार मैं ज्यादा देर इस वाली लोकेशन पर रुक नहीं सकता क्योंकि मेरे को अभी लेस्टर का फोन आया था एंड यार वो बोल रहा था कि इस बार हम लोगों ने बहुत गलत जगह हाथ डाल लिया है भाई, ये वाली गाड़ी बहुत ही तगड़े रेसर की है ये तो पता ही था बट अभी लेस्टर ने पता लगाया ये वाली गाड़ी भाई लॉस सैंटोस का इस समय जो माफिया है बिगेस्ट माफिया डगन बॉस के बेटे की है भाई। लिटरली भाई ये सुन के ना 2 मिनट के लिए तो मैं चुप हो गया था भाई, बिल्कुल रुक गया था कि यार ये कहां पर हाथ डाल दिया हम लोगों ने। बाकी यार अभी डगन बॉस के लोग आते ही होंगे एंड यार इस गाड़ी में GPS वगैरह भी है तो मैंने फटाफट से बोला है भाई ट्रेवर के एयरपोर्ट पर मैं जा रहा हूँ, वहां पर जल्दी भाई तू मैकेनिक वगैरह भेज एंड इस गाड़ी का सबसे पहले तो हमें GPS हटाना होगा एंड अभी ना लिटरली मैं बहुत बड़ी मुश्किल में फंस चुका हूँ भाई। कहाँ हम लोग बात कर रहे थे अपने कमबैक की एंड यहाँ पर तो यार अब बहुत ज्यादा बड़ा कमबैक होने वाला है। बट यार एक सेकंड, ये भाई हमारे पीछे कौन सी वाली गाड़ी लग चुकी है, एक सेकंड भाई भगानी होगी मेरे को यहाँ से गाड़ी। बाकी यार यहाँ पर तो 4-5 गाड़ियां मेरे पीछे लग चुकी हैं अभी एंड मेरे ख्याल से तो यार ये डगन बॉस के आदमियों की गाड़ी है। बाकी भगाता हूँ भाई, ये वाला बंदा तो बिल्कुल मेरे पीछे ही लग चुका है भाई, तेरे को क्या प्रॉब्लम है मेरे से? लिटरली भाई हम लोग एक गाड़ी नहीं चुरा पा रहे हैं सही से एंड कमबैक की तो क्या ही बात करूं। अब मुझे लग रहा है भाई तगड़ा तहलका मचने वाला है लॉस सैंटोस सिटी में। बाकी यार अभी मैं भागते भागते तो आगे आ चुका हूं एंड यार एक सेकंड, लैम्बोर्गिनी तो भाई पूरी खत्म होगी बट उससे पहले मैं खत्म हूँ, फटाफट से यार गन निकालो एंड चलो भाई लेट्स गो। बाकी यार पुलिस भी मेरे पीछे लग चुकी है, ये क्या ही हो रहा है भाई मेरे साथ, पहली ऐसी रॉबरी है भाई जिसमें मैं इतना ज्यादा फंस रहा हूँ। बाकी चलो भाई एक गाड़ी ब्लास्ट हुई एंड यार ये बंदे क्यों नहीं मर रहे, इन लोगों ने लगता है तगड़ी ही आर्मर्स पहन रखे हैं। बाकी चलो भाई अभी तो फुल खत्म हो चुके। बाकी यार एक दिक्कत खत्म नहीं हुई, सामने से पुलिस ने मेरे पे अटैक कर दिया है।
बाकी चलो यार अभी तो गाड़ियां वगैरह फट चुकी हैं, निकलते भाई अभी यहां से। बाकी एक सेकंड यार, यहां पर तो पुलिस भी कितनी आ चुकी है। बाकी नहीं यार, अगर हमने पुलिस वालों पर गोलियां चलानी शुरू करी ना तो ये लोग भाई हमारे पीछे टैंक वगैरह लेके पड़ जाएंगे। अभी ना मेरे पास एक आइडिया है यहां से निकलने का, फटाफट से मैं रेलवे लाइंस पर अब लैम्बोर्गिनी को दौड़ाने वाला हूं। तुमने ऐसा भाई आज तक नहीं देखा होगा कि लैम्बोर्गिनी रेलवे लाइंस पर दौड़ रही है। अभी भगाते भाई फुल स्पीड में अपनी गाड़ी को एंड देखते भाई पुलिस हमारा पीछा छोड़ देगी नहीं। बाकी हेलीकॉप्टर वगैरह भी आ रहे हैं भाई यहाँ पर, तो अभी मेरे को भगाना होगा एंड मैं मिलता हूँ भाई तुमको पुलिस एस्केप के बाद, क्योंकि अभी तो भाई मैं काफ़ी ज़्यादा ही तगड़ी प्रॉब्लम में हूँ। एंड फटाफट से मेरे को लेस्टर को भी बताना पड़ेगा कि भाई पंगा तो यहाँ तगड़ा हो चुका है, तूने यार ये कौन सी गाड़ी मेरे से रॉब करवाई है। एंड भाई अभी 2-3 घंटे हो चुके हैं मेरे को इस जगह पे, एंड तुम मेरा हाल देख सकते हो भाई, बिल्कुल ही भाई मेरे को कितनी ज़्यादा बुलेट्स लगी हैं। एंड एक बार गाड़ी का भी हाल देखो यार, क्या हाल हो गया है मेरी गाड़ी का। जब भाई वाली गाड़ी आई थी तो क्या ही अलग गाड़ी थी। बाकी लेट्स गो यार, अभी तो ट्रेन आ रही है यहाँ से एंड अभी सब कुछ सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, तो मैं यार एक काम करता हूँ फटाफट से बैठता हूँ इस वाली गाड़ी में एंड चलते हैं भाई अभी फटाफट से ट्रेवर एयरपोर्ट। बाकी भाई सीन तो काफ़ी ज़्यादा तगड़ा हो गया है, मेरे को लग रहा है हम लोग भाई फंसने वाले हैं काफ़ी ज़्यादा ही तगड़े। अभी यार मैं भगाता हूँ इस वाली गाड़ी को। बाकी यार आज की वीडियो के लिए तो इतना ही रखते, काफी ज्यादा ही तगड़ा सीन हो गया भाई, यहाँ कमबैक वगैरह तो मुझे लग रहा है काफी तगड़ा ही होने वाला है हमारा। एंड यार होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो तो जल्दी से यार वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑल रख दो ताकि ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय।